सत्ता जब हटते हैं लोग तो इसी तरह का आरोप लगाते हैं, और जब सत्ता में चले जाते हैं आरोप उनके लिए इस तरह का आरोप बेबुनियाद हो जाता है। कहीं न कहीं सत्ता से हटने का मलाल तो होता है, अब वही मलाल सता रहा है उनको, तरह तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम लगता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बोल करके अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं, जनता में भर्म की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार जी के साथ लोग आते हैं बिल्कुल ऐसा ऐसा कसीदा काटते हैं कि शायद डिक्शनरी भी फेल हो जाए, और जब हटते हैं तो इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं कि लगता है कि उससे बुरा कोई कसीदा नहीं है। तो जब सत्ता हाथ से निकल जाती है तो इसी तरह की आवाज़ उनके मुंह से निकलता है, ओछी बात, छोटी बात, छोटी टिप्पणी करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि जब सत्ता में जाते हैं तब क्या बोलते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तब क्या बोलते हैं, जब नीतीश कुमार जी के बगल में बैठते हैं तब क्या बोलते हैं, हटते हैं तब क्या बोलते हैं, देश की जनता से। पूरी तैयारी है 2025 का चुनाव एनडीए के पक्ष में होगा, गठबंधन जो हमारा है उसके पक्ष में होगा, अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, और हमने जो काम किया है बिहार में और बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, खास करके गरीबों के लिए काम किया है, और बिहार को जो विशेष तौर पर आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है उस सहायता का जब पूरा उपयोग करेंगे तो बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा, बिहार की और तरक्की होगी, और जिन क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा हुआ था उन क्षेत्रों में जब बिहार आगे बढ़ेगा तो लोगों को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, और इस कारण से फिर हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। ईश्वर का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि 25 में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आने दीजिए टाइम, जब टाइम आएगा तब सब पता चलेगा, ढोलक पर जितना ताल लगना चाहिए नहीं लगता, दूसरे ही जगह ताल ठोकते हैं, ठोकने दीजिए, जो लोग ठोक रहे हैं ताल उनको 2025 में पता चलेगा। ठीक है।